जरा तैयार हो जाइए। हंसने हंसाने का मौसम, गुल खिलाने का मौसम, गुदगुदाने वाली बातें, नोकझोंक, कहां सुनी तकरार, इस सब को समेटे हुए हम प्रस्तुत है इन मौसम के हसीन झोंकों से वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। अरे रे रे रे, इतने लंबे चौड़े संवाद, मौसम, हवाएं, सब और गुल खिलाने की बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई चुनाव लड़ते वक्त नए नए वादे करता है और झांसी में रखता है। लॉलस देखो, लोगों को आकर्षित करना पड़ता है। अनोखी स्वागत करते वक्त सारे नियम कायदे परोस दो और ये बताओ कि ताजा गर्मा गर्म क्या क्या है। आज की गर्मा गर्म और ताजा खबर ये है कि सरपंच का चुनाव सिर पर है। किसके सिर पर है? तुम तो समझती नहीं हो, सरपंच का चुनाव गांव में होगा जिसमें वो व्यसक लोग जाते हैं। व्यसक? ओह, व्यसक नहीं, वयस्क। चोखी, तू तो व्यसक से व्यसन पे जा पहुंचेगी। वयस्क का मतलब होता है एडल्ट। ओ, तो ऐसे बोलना एडल्ट। अरे हाँ, तू तो 3-4 बार वोट दे चुकी होगी। क्यों, मैं क्या 35-40 साल की हूँ? नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ लोग ना बचपन से बुजुर्ग लगते हैं। नहीं नहीं, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। अरे हाँ, तू तो लड़ भी सकती है, मैंने इसको बहुत बार लड़ते हुए देखा है। वैसे मैंने सुना है कि चुनाव में पैसा पानी की तरह बहते हैं और एक बार चुन लिए जाने पर उनके तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। मैं तो लड़ भी नहीं सकती। क्यों, पढ़ी लिखी जो नहीं हूँ? पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं होती। अरे तुझे याद नहीं है पिछली बार जो हमारे गांव में आए थे, हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाते थे। घंटों उन्होंने शिक्षा प्रणाली पे चर्चा की, खुद नहीं ली, औरों को तो दी। अनोखी, तुझे पता है वो किसी को जब भाषण देने के लिए बुलाते हैं तो साथ में उसकी पत्नी को क्यों बुलाते हैं? अच्छा, हो सकता है जरूरी होता हो भाई, या फिर पत्नी कसम दे देती हो कि ए जी, मेरे बगैर गए तो देख लेना। अरे हाँ, याद आया, एक बार मुखिया जी भाषण देने गए, नारी के अधिकारों पर बोलते गए बोलते गए बोलते गए, इस पर पास बैठी पत्नी ने कौन ही माना। घंटा भर हो गया, अभी तक भाषण बंद नहीं हुआ। इस पर मुखिया जी बोले, स्त्रियां पुरुषों के समान हैं, प्राप्त है उन्हें अधिकार सारे, कंधे से कंधा मिलाकर चले वो, बशर्ते किसी को कौन ही ना मारे। तो आइए देखते हैं कि बल्लो चाची ने बिना कोहनी मारे कैसे पासा पलट दिया। ताऊ, मैं बल्लो चाची के लो, बल्लो चाची भी आ गई। राम राम चाची। राम राम भाई। बस तेरा इंतजार हो रहा था। अरे, ऐसा कौन सा काम अटक गया मेरे बगैर जो यहाँ मेरा इंतजार हो रहा था? अरे चाची, तुम्हारे बगैर ही तो अटक गया है, पहले तू यहाँ आ और बैठ जा। पागल हो गया है तू, मैं नहीं बैठती वहाँ, मैं तो यही बैठूंगी भाई धरती पर। अरे तो यहाँ आ, तेरे लिए ही तो ये सारी पंचायत बुलाई है। ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसके लिए पंचायत बुलाने की जरूरत पड़ गई? चाची, तू सवाल बहुत करती है। क्यों, पूछू ना? अरे चाची, तुम तो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हो जिससे गांव का भला हो, इसलिए सब चाहते हैं कि आप पंचायत के चुनाव में खड़ी होएं। पर अभी बैठी रहे और सबकी बात ध्यान से सुन। भाई, मैं नहीं लड़ती चुनाव उनाव, पंचायत में इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं, अरे मेरा चुनाव लड़ना अच्छा लगेगा क्या? अरे, अपनी ही चलाती रहेगी या किसी और की भी सुनेगी? भाई, हम सब ने सोचा है कि इस बार तू चुनाव में खड़ी हो। बिल्कुल, बल्लो को चुनाव लड़ना ही चाहिए। भाई, मैं नहीं लड़ती चुनाव ना, ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी ना हूँ, अरे कोई हंसी खेल है पंचायत का काम चलाना? भाई, तू ठीक कह रही है, लेकिन तू घबरा मत, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है तो उसके बिल्कुल चिंता मत कर, मोती तुझे पढ़ा लिखा देगा। अरे पढ़ ले, तेरे साथ साथ मैं भी पढ़ लूंगा मोती से, दोनों पढ़ लेंगे। भाई, इस उम्र में तख्ती कलम लेकर बैठूंगी क्या? ये जिम्मेदारी मेरी रही, बस तू चुनाव लड़, और रही पढ़ने लिखने की बात, लगन से पढ़ेगी तो 6 महीने में अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाएगी। इतनी जल्दी? चलो अच्छा है, चुनाव जीतू या ना जीतू, पढ़ना लिखना तो सीख ही जाऊंगी। राम शरण तो बावला हो रहा है, वो कहता है औरतें क्या चुनाव लड़ेंगी। उसे ये नहीं पता अब की बार पंचायत में औरतें ही चुनाव लड़ेंगी और फैसले भी सुनाएंगी। बल्लो चाची ने तो पहले से ही सबका भला कर रखा है। रामशरण किसी भी तरह जीतना नहीं चाहिए, इसी में हमारे गांव की भलाई है। उसको मैं संभालूंगा, उसकी चिंता मत करो। देखो, रामशरण को जिताना या हराने की बात नहीं है, है तो अपने गाँव का आदमी ना, सवाल है गाँव की तरक्की का। झगड़ो, कहीं बनता काम बिगाड़ मत देना,
वैसे भी तुम्हारे सारे काम उल्टे पुल्टे ही होते हैं। हाँ भाई, ये तो ऐसा ही है, जरा संभल कर भाई। कभी कभी उल्टे काम करने से सीधे काम बनते हैं। अच्छा, चल देखते हैं तेरी कलाकारी। हाँ हाँ, देख लेना, अब की बार देखना राम शरण को कैसे धूल चटवाता हूँ। बल्लो ही चुनाव जीतेगी। भाई हम तो गांव की भलाई के लिए बल्लो को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सवाल राम शरण को ठिकाने लगाने का नहीं है, सवाल है गांव की तरक्की का। इसीलिए तो हम सब चाहते हैं कि पंचायत का हुलिया बदल जाए। क्योंकि जमाना बदल चुका है और सही लोगों को मैदान में आना चाहिए। हाँ तो भाइयों और बहनों, तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? अगर बल्लो प्रधान बनी तो गांव का बढ़िया विकास करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। बल्लो तू बता, तू क्या सोचती है इस बारे में? अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या बताऊं? आखिर मुझे लड़ाना भी आप ही लोगों ने है और जिताना भी आप ही लोगों ने है। फिर रही बात राम शरण की, तो मैं उससे नहीं डरती। ये हुई ना बात चाची। भाई सरकार आज पंचायत को बहुत सुविधाएं दे रही है, आज पैसा भी है और अधिकार भी। लेकिन इसका सही फायदा तो तभी मिलेगा जब कमान सही हाथों में होगी। हाँ, गांव का पैसा गांव में लगे तभी तो गांव की तरक्की होगी। आज भी कुछ लोग राम शरण के बहकावे में हैं, हमें उन्हें रोकना होगा, तभी हमारी जीत पक्की हो सकती है। वो लोग गरीब हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और राम शरण उन्हें पैसा और बोतल के लालच में फंसा रहा है। ऐसे तो गांव का बच्चा बच्चा पीने लग जाएगा। मैं अभी आया इसका काम तमाम करके। अरे जरा संभल कर, उसका नाम राम शरण है। भाइयों, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और यूं क्यों कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। बस एक बार पंचायत का चुनाव जिता दो, मने सेवा का मौका दो। काम की शुरुआत तो राम शरण जी ने कर ही दी है, लोगों में पैसा और बोतलें बंटवाकर। ये क्या कम बड़ी बात है? अबे कौन बोल रहा है, चुप करो। भाइयों, औरतों के नीचे काम करोगे तो जोरू के गुलाम कहलाओगे, जोरू के गुलाम, समझ में आया? और शराब पीना सीख जाओगे तो राम शरण जी के गुलाम बन जाओगे। अब तुम सोचो भैया कि किसका गुलाम बनने में कम घाटा है। अबे चुप करो, कौन बोल रहा है? भाइयों, पीना पिलाना बहुत बुरी बात है, अगर कोई पीता है तो इसे छोड़ दो, मत पियो, क्योंकि इससे घर परिवार बर्बाद होता है। इसी बात का ख्याल करके गांव में इनके लोगों ने बोतलों की मौज कर रखी है। अरे कौन बदतमीज है भीड़ में? ये कैसा देता है, सबको गाली दे रहा है। इसे वोट मत देना भाइयों, नहीं तो बाद में चुन चुन कर गालियां देगा। भाइयों, वो अभी बोतलों की बात उठी थी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शरारती तत्वों का काम है, मैंने नहीं किया, मैं तो खुद ही नहीं पीता। चुनाव की खुशी में इनको लोगों ने पिला दी है। हाँ साथियों, उन लोगों ने खुशी में थोड़ी सी, भाइयों का साथ तो देना ही पड़ता है ना, और वो कभी कभार थोड़ी सी पी लेना कोई बुरी बात नहीं है। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराब। और बड़ा बढ़िया गाना गा रहा है, दोबारा गा जरा। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। ये हमारे आदमियों को बिगाड़ देगा, ये हमारे बच्चों को भूखा मार देगा, ये क्या करेगा गांव की तरक्की? ठीक कहा भाइयों, अपने अपने घर चले जाओ, यहाँ समय मत बर्बाद करो, रामचरण के लोग आपके घर दारू लेके पहुँच गए होंगे। जो हमारा घर में वो तो लेके बैठ गए, फिर फोड़ लेंगे। अरे भाइयों बहनों माताओं, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग जरा सावधान हो जाइए, आप सब मेरा साथ दीजिए भाई। ठीक कह रहे हैं भाइयों, हमें इनका साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? नहीं नहीं, 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 हम तो बल्लो चाची का साथ देंगे। हम चलते हैं बल्लो चाची की सभा में, चलो। अरे तो भैया मैं बेवकूफ हूँ जो इधर खड़ा हूँ, चलो। बल्लो चाची जैसा हो, हमारा सरपंच कैसा हो? बल्लो चाची जैसा हो, बल्लो चाची जिंदाबाद। मैंने कहा था ना, राम शरण की जमानत जब्त करवा दूंगा, अब होगा गांव का विकास। बल्लो चाची जिंदाबाद, चाची राज जिंदाबाद, बल्लो चाची जिंदाबाद, चाची राज जिंदाबाद। जीत गई भाई, जीत गई, बल्लो चाची जीत।
बेचारे सरपंच का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। जब वो चुनाव हारे तो उन्होंने पूछा हार क्यों हुई। लोग बोले अजी आप ही के कार्यकर्ता आ आके कहते थे मत दो मत दो, हमने नहीं दिया। और आप भी तो भाषणों में बढ़ चढ़ के कहते थे भाइयों आवश्यक है हम सबका मिलजुल कर रहना, एक मत होना, एक मत होना, एक मत होना। मत दो मत दो, एक मत होना, एक मत होना। समझ समझते सौगुनी सुन चोखी बढ़ जाए, पढ़ लिख कर बन अकलमंद यही बात अनोखी समझाए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे तेरी दो दो मतलब वाली बातें तो चुनाव में खूब रंग लाई होंगी, तो ले सीधी बात सुन। आइए जानते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन ने किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के मायने ही बदल डाले। ये एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया संविधान में, इसकी व्याख्या कर यह निर्धारित कर दिया गया कि आपको निर्धारित अवधि के पश्चात चुनाव कराना ही है। लेकिन ग्राम सभा एक बड़ी एक बड़ा समूह है और इसीलिए संविधान में उसे शक्ति संपन्न किया गया कि जो कुछ मूल विषय हैं ये मूल विषय ग्राम सभा के पास रखे गए, बाकी दिन प्रतिदिन का कार्य हुआ या संचालन का कार्य हुआ ये सारे जो हैं सो पंचायत समिति के पास छोड़े। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे होता है उसको हम जिला परिषद बोलते हैं, उसका भी चुनाव होता है और चुनाव कहीं डायरेक्ट होता है कहीं इनडायरेक्ट होता है, हर एक सरकार के जो एक्ट होते हैं स्टेट सरकार के एक्ट होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। संविधान के अनुसूची 11 में 29 विषयों की सूची दी गई है जिन 29 विषयों में पंचायतों का कार्य करना है और प्रायः भारत के सभी राज्यों के एक्ट बने हुए हैं उस एक्ट में उन्हें प्रावधान दिया गया है कि पंचायतें अपना कर लगा सकती हैं और उस कर का अपना प्रयोग कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष पर और ये वित्त आयोग जो है सो अपनी अनुशंसाएं करेंगी और राज्य सरकार विचार करेगी और उस पर अपना निर्णय लेगी और उसी प्रकार पंचायत को शक्तियां दी जाएगी। तो पंचायत को शिक्षक को नियुक्त करने का अधिकार, उनकी उपस्थिति चेक करने का अधिकार, वो कैसा उनका प्रदर्शन है इसका अधिकार, ये सब देखने का अधिकार पंचायतों को होना चाहिए और पूरे शिक्षा पूरे जिले में जो है सो हाई स्कूल या कहीं कहीं इंटरमीडिएट कॉलेज तक के शिक्षा के लिए योजना बनाने की और उनके पर्यवेक्षण का अधिकार जिला पंचायत को दिया गया है। ये व्यवस्था और जब मजबूत होगी, इसकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो ये एक लोगों की जबरदस्त रूप से मांग बन जाएगी और ग्रामीण स्तर पर ये सरकार के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी और इसे किसी भी तरह से रोल बैक करना या इसकी शक्तियों में कटौती करना यह संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए कि जनता स्वतः खड़ी हो जाएगी। नेतृत्व के जो पद हैं उसमें एक तिहाई पद तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा चुका है। कई राज्यों में ये भी तय किया कि आरक्षण का प्रतिशत 33% नहीं होके 50% तक बढ़ाया जाए। ये जो दूसरे जो पिछड़े जाति महिला जिनकी आवाज आगे सामने आती नहीं थी या आने का मौका नहीं मिलता था, इनके लिए एक तरह से वॉइसेस फ्रॉम बिलो जिसको कहते हैं, इसका सामने लाने का यही तरीका है। मिली योजनाएं नई सुधरेंगे अब गांव, उन्नति के पथ पर बढ़े प्रगति के पांव। वाह वाह, गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू के झोंके तो मुझे भी छू रहे हैं। मुझे तो बल्लो चाची की बातें छू गईं। बातें भी छूती हैं? हाँ, बल्लो चाची की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, गांव में साक्षरता केंद्र खोलने की, सड़कों की मरम्मत वगैरह वगैरह। अरे हाँ, अगले चुनाव में तू भी तो पहली बार वोट देने जा रही है ना? मैं भी मत दूंगी, मतदान महादान। और सुन, मैं जरा मुस्कुरा कर वोट दूंगी। मैंने सुना है कि वहाँ फोटो वोटो खींचे जाते हैं, सबसे पहले मुझे एक पहचान मिलेगी,
मेरी अपनी ऐसी पहचान कि लोग मुझे पहचान सके। ठीक है फोटो मुस्कुरा के खिंचवाना, लेकिन वोट देते समय ज्यादा मुस्कुराना मुस्कुराना नहीं। क्यों क्यों? अरे तुझसे कौन मगज मारे। अच्छा पहली बार वोट देने जा रही है, तुझे पता तो है ना कि क्या क्या करना होगा? मुझे सब पता है, सब जगह मोहर लगाने ताकि कोई नाराज ही ना हो। ओफो, तेरा सारा वोट बेकार जाएगा, किसी गिनती में ही नहीं आएगा भाई। क्योंकि मैं वोट दे रही हूँ। ओहो नहीं, चलिए आपको ले चलते हैं वोट का महत्व समझाने, देखते हैं कि वोट दे तो कैसे। मतदान की भी एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसे जानना जरूरी है, यहाँ इसका संपूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक वोट का अपना महत्व है, उम्मीदवार की जीत और हार में यही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। जैसे बूंद बूंद से गागर भरती है, वैसे ही एक एक वोट से जनमत बनता है। चलिए देखते हैं तो कैसे कैसे हमने वोट पे अपना सही लगाया भी है चिन्ह की नहीं। किसी ने अंगूठा ही लगा दिया, मोहर भी लगाई और अंगूठा, क्या हुआ इससे? सारा गलत। जिसको वोट देना था घर वाले को, वो बेचारा तो रह गया, एक वोट से गया। इसमें यहाँ पर निशान है और यहाँ पर भी निशान है, यदि वो इसको ऐसे फोल्ड करता तो क्या हो जाता? क्योंकि ऊपर भी निशान होता और नीचे भी निशान होता, तो ये वोट हमारा बच गया, ये हमारा वोट सही है। अब ये देखो, किसी ने सभी को खुश किया। तू भी खुश। उसने सभी को खुश कर दिया है ना, तो क्या हुआ इससे? कोई भी खुश नहीं हुआ और निराशा हो गई, क्योंकि एक एक वोट क्या होता है, कीमती होता है। एक वोट से हारते हैं और एक वोट से जीतते हैं। बदलते हुए संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था की बारीकियां जनमानस तक पहुंचाने के भी प्रयास हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 14 पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लंबी चौड़ी हिदायतें दी जाएं तो शायद लोग ध्यान ना दें, पर खेल खेल में ही मनोरंजक ढंग से कुछ भी कहा जाए तो वो हमेशा अपनी छाप छोड़ जाता है। तो सब लोग जो समस्याएं हैं वो रख दो, क्योंकि बार बार आप लोग बोलते रहते हैं मेरे से कि ये परेशानी है। सबसे परेशान तो हमको पानी की है कि हम महिलाएं खेत में जाती है काम करने के लिए, कहीं भी जाती है और पानी हमारा बहुत दूर है। तो आप भी गए होंगे पानी भरने के लिए कभी, आपने भी देखा होगा कि कितनी परेशानी है हमको। हमारे ग्राम सभा में पैसे तो है नहीं, हम लोग नागटिबा के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ टूरिस्ट लोग आएंगे और वहाँ हम टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स से हम गांव में एक टंकी बनाएंगे। पहले तो सारा काम तेरा पति करता था, आज तुम नेता की तरह बन गई हो। पहले हमें कौन आता था यहाँ बताने के लिए, हमें कोई जानकारी नहीं थी, 24 घंटे बिजी रहते थे, बाल बच्चों के साथ काम धाम, घास लकड़ी के लिए जाते रहते थे, बाहर कहीं जाते ही नहीं थे। और अब तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ग्राम पंचायतों में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती रहती है। आगे वाले चुनाव की बातें भी करो, 6 महीने रह गए, आगे वाले चुनाव का क्या होना है, किसको बनाना है? तो एक ही बनाना है अगले बार चुनाव। समझ में आया ग्राम पंचायत के चुनावों का महत्व, वोट कितना कीमती है। अब तो मैं भी अपना वोट ध्यान से और सोच समझ कर ही दूंगी। पर एक बात है, भाषण पर भी राशन हो तो अच्छा हो। एक आदमी रात के 2 बजे अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। वो बोला, क्यों भाई इतनी रात को कहां जा रही है तू? उसने कहा, सरकार भाषण सुनने। उसने कहा, हो ही नहीं सकता, इतनी रात को भाषण सुनने पे तो हमने रोक लगा रखी है। उसने कहा, सरकार भाषण का टाइम पार्कों के लिए फिक्स किया है ना आपने, घरों में पत्नी के भाषण के लिए तो नहीं? अरे अपनी चकचक छोड़, वो रामशरण काका है ना, वही जो चाची के विपक्ष में खड़े थे। हाँ, उनसे किसी ने पूछ लिया कि सरपंच बनने के लिए कितनी अकल होनी चाहिए, तो गुस्सा हो गए, बोले अकल नहीं लियाकत होनी चाहिए, हम खानदानी है, हमारे दादे पर दादे सरपंच थे। तो क्या पंचायत उनकी जायदाद हो गई? हाँ,
जमाना आगे बढ़ रहा है, रोज नए रास्ते खुल रहे हैं और कहते हैं कि अब तो प्रगति बड़े जोरों पर है। ए अनोखी, ये प्रगति क्या होता है? प्रगति बोल भाई, प्रगति। अच्छा अच्छा, जैसे पहले रेलगाड़ियां पुल से गिरती थी और अब पुल रेलगाड़ियों पर गिरते हैं, इसे प्रगति नहीं बोलते। प्रगति तो हुई गांव बटलाना में, जहां चंदू देवी की निस्वार्थ मेहनत रंग लाई। आइए आपको लेकर चलते हैं शिमला में शोघी के पास स्थित गांव बटलाना। ऐसा ना जी, जे मेरे पति को पेट में दर्द होती है ना, होती थी, डॉक्टर ने बोला था भाई कोई बोझा नहीं उठाना, तो खेत में तो काम करते थे, हाथ का काम पूरा करते थे, पर बोझा नहीं उठा सकते थे। सब्जी लेके मैं शिमला भी ले जाती थी, पहले तो मेरे को ठग भी लेते थे, पर बाद में मेरे को पूरा साफ साफ, एक दफा मेरे को जान के किया, उन्होंने मेरे को 50 रुपये कम दे दिए, तो वहाँ तो मैंने ले लिए, वहाँ से मैं उसको गिनते गिनते आई, हिसाब करते करते आई, मेरे 50 रुपये तो नहीं दिए। फिर वहाँ से मैं वापस हुई, मैंने बोला लाला जी मेरे आपने 50 रुपये तो खा दिए। फिर लाला तो बड़े जोर से हंसने लगा, भाई आपको अब तो पूरा साहब आता है, तो मैंने रख किए थे भाई आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मेरे को अब ठग भी नहीं सकता जी कोई नहीं, अब तो हमारे गाँव में कोई अनपढ़ नहीं, पूरे पड़े हुए यहाँ बच्चे भी और बूढ़े भी जो थे कोई, वो मैंने हमने पहला उनको पढ़ा दिया था, फिर इन्होंने मेरे को वार्ड मेंबर चुना जी, मैं वार्ड मेंबर रही जी 5 साल तक, फिर 5 साल के बाद जो है फिर दोबारा से पंचायत के इलेक्शन हुए और इन्होंने फिर मेरे को उप प्रधान के लिए चुना। आज दिन तक यहाँ कोई रास्ता नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, इतने बड़े यहाँ प्रधान, इतने बड़े मेंबर, यहाँ तक रास्ता नहीं बनाया किसी ने, तो एक रास्ता तो बनाया जी मैंने यहाँ से और नीचे खड़ तक, दूसरा रास्ता उस वक्त बनाया जी मैंने यहाँ से लागड़ू से और नीचे खड़ तक, और एक रास्ता बनाया जी मैंने ऊपर शोगी से और सड़क तक यहाँ तक बटलाना तक, तो ये 3 रास्ते बनाए जी, और दो एक हमने नीचे कमरा बनाया, एक कमरा पार चक्रेच में बनाया, पानी की दिक्कतें थी ऊपर, ऊपर वाला ना गांव में इनके पानी नहीं होता था, फिर मैंने बोला भाई यहाँ पर हम 2 बाउंड्री बनाएंगे, एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को, और वहाँ पर एक गौओं के लिए ना पानी पीने को एक तालाब जैसा बनाया पक्का, फिर वो ऊपर से पानी आता है नीचे उसमें तालाब में, तो वहाँ डांगर भी पानी पीते हैं और आदमी भी पीते, आने जाने वाले भी, और सब उनके फिर पानी का मजा हो गया, नहीं तो उनको दूर दूर जाना पड़ता था, सबकी सहायता करती हूँ। मेरे मन में नहीं रहती भाई इसके ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सबको सोचती हूँ भाई सब काम अच्छा काम करे तो मेरे को बहुत खुशी होती है। उम्र तो मेरी अब 70 साल की है और इसके लिए मैं सोचती हूँ ना जी, अब भी ये सोचती हूँ भाई बहुत आगे चले जाए और बहुत अच्छे काम हो इसमें, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बूढ़े हैं और जितने भी अनपढ़ हैं, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी जी पढ़ना चाहिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक मेरे को दिखता है और जब तक सुनाई दे, अब ऊँचा सुनाई देता है, आँख भी देखती नहीं, पर जब तक भी मैं चलने फिरने लायक हूँ तब तक ज्ञान ज्ञान समिति में तो जुड़ी रहूँगी। देखा, चंदू देवी ने 65 साल की उम्र में वो कमाल कर दिखाया जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अरे तुझे क्या हुआ, तू किस सोच में पड़ गई? मैं सोच रही हूँ कि जिस देश की औरतें इतनी जुझारू हैं, वहां लड़कियां पैदा होने पर कोई खुश क्यों नहीं होता। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, आज भी इस देश में कई जगह कन्या के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता है या फिर कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब समय बदल रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है, उनकी सोच बदल रही है। और जिन लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली, जो लड़की को अभी भी मनहूस मानते हैं, असल में वो खुद मनहूस होते हैं। ये मनहूस क्या होता है भला? अनोखी, मनहूस कौन होता है? एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से यही पूछा था, बीरबल क्या कोई मनहूस भी होता है?
बीरबल ने हंसकर कहा, हाँ जहां बना बहुत से लोग होते हैं मनहूस। तो बादशाह बोले, ठीक है कल सुबह हमारे सामने एक मनहूस को पेश किया जाए। फिर क्या था, बीरबल अगले ही दिन अपने साथ एक व्यक्ति को दरबार में ले आया और बोला, जहां पना ये मनहूस है, कोई भी व्यक्ति इसे देख ले तो बस उसका तो पूरा दिन बर्बाद जाता है। फिर क्या था, बादशाह सलामत पूरे दिन परेशान रहे, उन्हें लगा ये व्यक्ति वाकई में मनहूस है। ओ, तो उन्होंने अगले दिन जरूर कहा होगा, ये सचमुच मनहूस है, इसे फांसी दे दो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो बीरबल ने पूछा, जहां पना इसे फांसी क्यों दे रहे हैं। बादशाह बोले, कल सुबह सुबह इसका मुंह देखा तो हमारा पूरा दिन खराब बीता। बीरबल ने तुरंत पूछा कि इसने किसका मुंह देखा जो इसे फांसी हो रही है। लेकिन उसके बाद बादशाह अकबर को समझ में आ गई बात और उन्होंने अपने शब्दकोश से मनहूस शब्द ही निकाल दिया। महिलाओं के प्रति समानता की दृष्टि यूं रखें कि नीची नजरों से देखें, नीची नजरों से ना देखें। और अभी से नारी और नारी के सम्मान की रक्षा करें, उन्हें बोझ ना समझें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और सक्षम बनाएं। दर्शकों, हमारी आपसे यही गुजारिश है और सलाह भी। तो इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.